हो रहे हैं या फिर किसी न किसी पर हमला कर देते हैं। इसी समस्या के मद्देनजर प्रगति समाज सेवा समिति बिलासपुर द्वारा घायल पशुओं के इलाज के लिए भगेड़ स्थित एक अस्थायी रूप से व्यवस्था की गई है, जिसमें गंभीर रूप से घायल पशुओं का इलाज किया जा रहा है। साथ ही आवारा बैल जो राहगीरों पर हमला कर रहे थे उन्हें बांधकर स्थानीय लोगों को भी इनके शिकार से बचाया गया। एक और जहां समिति के इस कार्य से स्थानीय लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग इस पर राजनीति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी देते हुए प्रगति समाज सेवा समिति बिलासपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि गौशाला को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में समय लगेगा, जिसके चलते घायल बैलों के लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था की गई है, जबकि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सड़कों पे घायल एक दो बैल ऐसे हैं जिनके एक टांग टूटी है, एक रीढ़ की हड्डी टूटी है, और उस कुत्ते को बोले सड़क के किनारे उसको खा रहे थे। हमने उसे भी अपने पास संरक्षण दिया और भीड़ में परवार खाना के नजदीक इस जगह को हमने बनाया है। तो कुछ चाटुकार और राजनीतिज्ञ अपन राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जब ये नहीं थी, जब यहाँ गौशाला की व्यवस्था नहीं थी, तो बोलते थे गौशाला खोलो जी और जो है हमारी फसलें खा लीजिए। अभी तक ये दो बैल खुले होते हैं, तो इन्होंने 30 खेत के करीब इन्होंने बर्बाद कर देने थे। ना जाने किसी की जान भी ले सकते थे, तो जब अपने इनको काबू में कर लिया तो लोगों को इससे आपत्ति नजर आ रही है। वहीं समिति के कार्य को लेकर स्थानीय निवासी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि घायल बैलों के साथ ही खूंखार बैलों को भी वहां रखने की व्यवस्था की गई है, जो सराहनीय है। प्रगति समाज समिति द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जितने भी बैल सड़कों पे घूम रहे थे हमारा, उन्हें यहाँ बांधा गया है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।